जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत सारी अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज मंडे है, बहुत ही एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यार, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इस चैनल पे मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन सीरीज। इस सीरीज के अंदर में आपको मैं टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई दूंगा। इसके नए एपिसोड आपको हमेशा संडे को देखने को मिलेंगे। कोई भी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड जो भी टॉपिक्स है उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, मेटावर्स हो गया, आयरन मैन का सूट हो गया, आर्क रिएक्टर हो गया, एनएफटी हो गए, ब्लॉकचेन्स हो गए, ये जितने भी टॉपिक्स हैं मैं एग्जांपल्स दिया हूं, ठीक है। मतलब कि कोई भी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड जो भी टॉपिक्स होंगे मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो काफी ऑसम कंटेंट्स आने वाले हैं इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना यार और बेल आइकन भी दबा देना। और मुझे कमेंट करके बताना अगर आपका कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो कमेंट करके जरूर से अपने भाई को बताते रहना, ताकि मैं वीडियोस क्रिएट करते रहूं और आपको अच्छे अच्छे नॉलेजेबल चीजें बताता रहूं, ठीक है। शाबाश। और हाँ यार, मैं बताना भूल गया, पहला जो एपिसोड है टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन का वो आज रात को आएगा। आज सुबह 5 बजे तक आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है KL राहुल सर के तरफ से। KL राहुल सर के हाथ में Realme 9 Pro Plus है, आप देख सकते हो, लाइव इमेजेस आ चुके हैं, काफी चमक रहा है और आप कह सकते हो कि Realme का एक नया स्टाइल है प्रमोशन करने का, प्रचार करने का। और अगर इस बार KL राहुल सर Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स में प्रचार करेंगे, मतलब कि वो शोकेस करेंगे Realme 9 Pro Plus के स्मार्टफोन्स, उसके एड्स को वो करेंगे, तो काफी अच्छा रहेगा। पिछली बार सलमान सर किए थे, इस बार KL राहुल सर करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। वैसे आप एक्साइटेड हो कमेंट करके बताना। और पिछली बार भी सलमान खान सर ऐसे Realme 8 Pro को पकड़ के फोटो खिंचवाए थे, तो कह सकते हो ये एक प्रमोशन करने का तरीका है। और जिस स्टाइल में KL राहुल सर पकड़े हैं वो तो पूरा ही समझ आ रहा कि हाँ भाई, वो दिखा रहे हैं कि देख लो मेरे पास है Realme 9 Pro Plus, जो बहुत ही अच्छी बात है, काफी अच्छे लग रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आपको गुस्सा दिला सकता है, ठीक है, क्योंकि अपडेट ही कुछ ऐसा है। वीवो बाबू हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, खास के इंडियन मार्केट के लिए। वीवो T1 आज से 2-2.5 महीने पहले लॉन्च हुआ था चाइना में, जो iQOO Z5 का रीब्रांडेड वर्जन था। अगर वो इंडिया में आ जाता तो मजा जाता, वही T1 जो चाइना में लॉन्च हुआ है इंडिया में आ जाता तो मजा जाता। नहीं, अब वो T1 इंडिया में नहीं आएगा। Vivo Y75 5G देखे हो, आज से 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था, वीडियो बनाया था मैं, आई बटन पे दे देता हूँ, जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वो जो स्मार्टफोन है ना, उसको आप Vivo Y55 भी कह सकते हो। तो Vivo Y75 5G में कुछ कुछ चेंजेस करके Snapdragon 695 प्रोसेसर लगा के उसको Vivo T1 बना के इंडिया में लॉन्च कर देंगे। कितने तारीख को? फरवरी के 9 तारीख को, ठीक है। तो पोस्टर्स वगैरह आ चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, पोस्टर में देख लो Vivo Y75 या फिर आप Vivo Y55 कर लो, वही स्मार्टफोन सामने आपको दिखाई देगा। बस कुछ अंदर के हार्डवेयर को चेंज कर देंगे एंड बन गया Vivo T1। मतलब कि वो जो चाइना में Vivo T1 लॉन्च हुआ है उसको लॉन्च नहीं करेंगे, उसको लॉन्च कर देंगे तो अपना Vivo V23 कैसे चलेगा, उसको भी तो चलना चाहिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है लू वेबिंग सर के तरफ से। ये दोस्तों Redmi K50 को यूज करने भी लग गए हैं। हाँ यार, अब तो वो मालिक है, वो तो यूज करेंगे, क्योंकि उसी फोन के साथ वो वीवो पे पोस्ट अपलोड कर रहे हैं, देख सकते हो Redmi K50 एंड्रॉइड मेंशन किया गया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है लेट्स गो डिटेल के तरफ से। देखो यार, मैं आपको Oppo Find X5 Pro के लाइव इमेजेस तक दिखा चुका हूँ, वो भी HD में, तो मैं आपको अब रेंडर्स दिखा देता हूँ। देख लो यार, ये नए रेंडर्स है इस बार लेट्स गो डिटेल क्रिएट किए हैं, धीरे धीरे पार कर रहा हूँ। देख लो, इस बार कुछ मजा नहीं आया लेट्स गो डिटेल, आप हमेशा रियलिस्टिक रेंडर्स क्रिएट करते थे, लेकिन इस बार शेडोज और जो ग्राफिक्स है रेंडर्स के इतने खास नहीं है, थोड़ा सा कह सकते हो कि लो क्वालिटी का लग रहा है। तो आपको देखने में रेंडर्स कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। और अगर आप Oppo Find X5 Pro के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे देता हूं, जाके क्लिक करके देखो, स्पेसिफिकेशंस, प्राइस, अवेलेबिलिटी सब एक्सप्लेन किया हूं, जल्दी जाओ देखो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Poco M4 Pro 4G की तरफ से। आज ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, ये बहुत ही जल्द आपको मार्च के महीने में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा इंडिया में। वैसे वीडियो बनाया था मैं संडे को, अगर आप नहीं देखे हो तो आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको Poco M4 Pro 4G के बारे में स्पेसिफिकेशंस, प्राइस कैसा दिखता है, लाइव इमेजेस तक दिखाया हूं, जल्दी जाओ देखो, सब पता चल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आप पक्का सुने होंगे कि OnePlus 10 Ultra आपको
ऐसा दिखाई देगा। हाँ, इसको OnePlus पेटेंट करवाया है, लेकिन OnePlus इसको OnePlus 10 के लिए पेटेंट करवाया था। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी कोई एक स्मार्टफोन कोई ब्रांड बनाता है तो उसके कई सारे वो रेंडर्स डिजाइन क्रिएट करता है, तो ये OnePlus 10 का ही एक रेंडर था, एक डिजाइन था, ठीक है, जिसको OnePlus यूज नहीं किया। तो ये OnePlus 10 अल्ट्रा नहीं है, ये OnePlus 10 ही है, ठीक है। तो इसको कोई भी अगर कह रहा है कि OnePlus 10 अल्ट्रा ऐसा दिखाई देगा, नहीं यार, अभी तक किसी को भी नहीं पता है OnePlus 10 अल्ट्रा कैसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये OnePlus ही पेटेंट किया था, लेकिन OnePlus 10 के लिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Vivo Y33s की तरफ से, 4G स्मार्टफोन है ये, कल परसों तक चाइना में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन आज इसके बारे में सब कुछ पता चल गया, स्पेसिफिकेशंस, रेंडर्स, प्राइसेस सब बताता हूं आपको। यहां पर आपको 6.51 इंच का एक HD प्लस IPS LCD पैनल मिल जाएगा, 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट, 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, 8 का सेल्फी, 5000 mAh का बैटरी, 18 वाट का चार्जर, हीलियो G80 के साथ आएगा, और 4+64GB 17,700 रुपए का, 17,700 रुपीज। अगेन, ये वीवो बाबू का कमाल है जो इतने अच्छे स्मार्टफोन्स को इतने अच्छे प्राइस रेंज में लॉन्च करते हैं। तो आपको स्पेसिफिकेशंस और प्राइसेस कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। और ये जो स्मार्टफोन है काफी कुछ हद तक Vivo Y75, Vivo Y55 से मैच कर रहा है, डिजाइन काफी कुछ उसी से मैच करता है, बस कलर को चेंज कर दिया गया है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार जब Vivo अपने स्मार्टफोन्स में कुछ नए डिजाइन ले आता है तो उसको कई बार कई मुद्दों तक यूज करता रहता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो स्पार्क 8C की तरफ से, ये कमाल का स्मार्टफोन होगा यार, फरवरी के सेकेंड वीक के आसपास तक, नहीं तो थर्ड वीक के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा, इंडिया में लॉन्च होगा और कमाल के स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करेगा। एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा, स्पेक्स बता देता हूँ। 6.6 इंच का एक HD प्लस IPS LCD पैनल मिल जाएगा, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, यूनिसॉक का T610 होगा, यानी कि हीलियो G70 आप कह सकते हो, 5000 mAh का बैटरी, 10 वॉट का चार्जर, 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, 8 का सेल्फी, और इसका जो दोस्तों प्राइस होगा 9,000 रुपए से थोड़े से कम प्राइस पे होगा, मतलब कि 8,500 रुपए नहीं तो 9,000 रुपए, इन्हीं प्राइस गैप के आसपास ये दोस्तों फंसेगा, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको दे देगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi 10C की तरफ से, ये दोस्तों आज IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो गया है, तो वोनिकर कंफर्म हो गया है। Redmi 10A तो निराश कर दिया, हेलियो G25 के साथ Geekbench पे लिस्ट हुआ है। अब Redmi 10C को देखते हैं भैया, इसमें क्या मिलता है। आई होप सो कि P35 ऐसे से प्रोसेसर्स ना दे, हीलियो G35, G37, G37 दे दो यार तो मजा आ जाएगा, नया प्रोसेसर है वो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अजीब है, अगर आपको मैं अपडेट बताऊंगा, आप पहले दो थप्पड़ मेरे मारेंगे फिर दो अपने मारेंगे, आप समझ रहे हैं मैं आपसे कितनी गंभीर बात करने वाला हूं। सही में, OnePlus दोस्तों आज बहुत ही अतरंगी नाम को ट्रेडमार्क करवाया है। OnePlus अभी तक दोस्तों हम लोग सुने थे 2+ भी है, 3+ भी है, 4+ भी है, 5+ भी है, 6+ भी है, 7+ भी है, 8+ भी है, और ना जाने कितने प्लस है। ये जितने भी नाम है ना, इसको OnePlus ट्रेडमार्क करवाया है, उसको डर लग रहा है कि इन नामों को कोई और यूज ना कर ले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Infinix Zero 5G की तरफ से, मुझे जहां तक पता चला है ये स्मार्टफोन 10 तारीख को लॉन्च होगा। हाँ, अब 10 तारीख का डेट ये ऑफिशियल नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। इसका ऑरेंज कलर वाला जो वेरिएंट होगा ना, उसका HD क्लियर लाइव इमेज आ गया है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लेदर वाला टेक्सचर दिखाई देगा, मतलब कि शायद ये लेदर बैक के साथ आएगा, जैसे कि ओप्पो फाइंड X3 सीरीज के स्मार्टफोन्स में जो ऑरेंज कलर वेरिएंट्स थे वो लेदर वेरिएंट्स थे, जो ब्लैक कलर वेरिएंट्स थे वो ग्लास सिरेमिक वेरिएंट्स थे। तो मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये जो वेरिएंट है ऑरेंज वाला Infinix Zero 5G क्योंकि कॉपी किया है, तो लेदर ही शायद ही लगाया होगा। अगर ये लेदर लगा देगा तो भाई महंगा हो जाएगा ये। अब अंदर से कुछ कुछ फीलिंग्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई वैसा वो टेक्सचर बनाया है प्लास्टिक बॉडी पे, लेट्स सी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है टेक्नो स्पार्क 9 सीरीज की तरफ से। टेक्नो स्पार्क 9 सीरीज का जो सबसे बड़ा वाला भाई होगा टेक्नो स्पार्क 9 प्रो, ये IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो गया है, और इससे मॉनिकर कंफर्म हो जाता है कि टेक्नो स्पार्क 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स अब आने वाले हैं। अगर मैं अपने सोर्सेस की बताऊं तो आपको मार्च एंड तक देखने को मिलेंगे टेक्नो स्पार्क 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है माधव सेठ सर की तरफ से। इनका जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है आस्क माधव सीरीज, उसका दोस्तों एक नया एपिसोड आने वाला है, आस्क माधव एपिसोड 31। तो कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं माधव सेठ सर के लिए तो जाओ पूछो, आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi Note 11 और Redmi Note 11s की तरफ से। ये दोनों स्मार्टफोन्स के इंडियन प्राइसेस पता चल गए हैं मुझे, मैं आपको साइड पे दिखा देता हूँ, देख लो यार, ये ऑफिशियल प्राइसेस नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे तो 9 तारीख को ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, कुछ अगर पता चलेगा तो बता दूंगा। वैसे अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये 2 दिन पहले ग्लोबली लॉन्च हुए थे, आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है, MWC बार्सिलोना 2022, इसके ऑफिशियल डेट्स आ चुके हैं। 28 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा और आप मानो या ना मानो बहुत सारे ब्रांड्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपने अपकमिंग प्रोडक्ट्स को दिखाएंगे, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, अपने फ्लैगशिप डिवाइसेस को लॉन्च करेंगे और बहुत सारा काम करेंगे। CES 2022 तो इतना अच्छा नहीं गया, अब देखते हैं MWC 2022 में क्या होता है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है, मैं आपको एक हफ्ते पहले बताया था ना अपकमिंग स्मार्टफोन्स की वीडियो में कि Motorola फरवरी में अपने कोई एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च करेगा, या तो वो Moto G200 होगा या फिर Moto H30 Pro होगा, जिसको आप Moto HX30 भी कह सकते हो। तो अब दोस्तों कंफर्मेशन आ चुका है, इंडिया में फरवरी में Moto HX30 लॉन्च होगा, यानी कि Moto H30 Pro 8th Gen 1 के साथ। Moto G200 मार्च के लिए डिले कर दिया गया है, ठीक है। वैसे अगर आप Moto HX30 के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, वीडियो बना दिया हूं मैं, आई बटन पे दे दूंगा, अगर यहां पर सेक्शन खाली होगा तो मिल जाएगा, कार्ड सेक्शन में अनबॉक्सिंग भी दिखाया था मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, ओप्पो दोस्तों अपने एक नए फोल्डेबल स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है और अपने एक नए ऑल टुगेदर नए एक फ्लिपेबल स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है, जो आपको इन्नो डेट 2022 में देखने को मिलेगा, अक्टूबर के मंथ में, इस साल के अक्टूबर में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। और जो ओप्पो का जो फ्लिपेबल स्मार्टफोन होगा वो Samsung Galaxy Z Flip 3 से भी कम प्राइस पे लॉन्च होगा, मतलब कि ओप्पो बहुत ही मस्त काम करने वाला है। और ओप्पो का इन्नोटे हमेशा अक्टूबर में ही होता है, तो अक्टूबर में ही होगा ये सब चीज, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रिकॉर्ड्स की तरफ से, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है दिसंबर 2021 का, जहां पर आप देख सकते हो मोबाइल स्पीड के मामले में पूरे वर्ल्ड में इंडिया 115वें नंबर पे आता है 14.47 Mbps की स्पीड के साथ, एंड ब्रॉडबैंड के मामले में 69th पोजीशन पे आता है 47.48 Mbps के साथ। 48 लगा देना वहां पर, ठीक है, 48 नहीं बोलते पॉइंट के बाद। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो आपके क्या रिएक्शंस हैं, ओपिनियंस हैं, कमेंट करके बताना। 115वां रैंक बहुत ही नीचे आप कह सकते हो, लेकिन इतना भी नीचे नहीं है, हम लोग और भी अभी प्रगति कर रहे हैं और भी अच्छा रैंक हासिल करेंगे। 5G नेटवर्क आने दो, फिर तो हम लोग 115 से बहुत ही ऊपर चले जाएंगे हम लोग। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज 11 के लिए 3D इमोजीज को डिजाइन कर रहा है, बहुत ही जल्द आपको मार्च तक 3D इमोजीज देखने को मिलेंगे, देखते हैं कैसे होते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अगर आप सुन लोगे तो आपके दिल का ठंडक पहुंच जाएगा, एंड मेरे को जब ये अपडेट पता चला तो अच्छा लगा, सुकून मिला। Redmi Note 11 Pro 5G इंडिया के IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो गया है, दैट मींस इंडिया में Redmi Note 11 Pro 5G आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन 5G होंगे, तो Redmi को भी अपने 5G स्मार्टफोन को ही लेके आना चाहिए, तो खुश हो जाओ यार। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही मस्त है, एक्सक्लूसिव है, iQOO Z6 मार्च के महीने में चाइना में लॉन्च हो जाएगा, जो iQOO Z5 का सक्सेसर होगा, और ये ऑल टुगेदर Qualcomm के एक नए प्रोसेसर के साथ डेब्यू करेगा। सबसे पहले वो प्रोसेसर iQOO Z6 में ही देखने को मिलेगा, अगर रूमर्स की मानो तो वो 778G का सक्सेसर होगा भाई साहब। अब देखते हैं कौन सा प्रोसेसर है, अगर कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। क्या 779G ऐसे कुछ नाम होगा। अगले अपडेट की बात कर ले तो अगला अपडेट क्विक है, Realme Narzo 50A Prime जो था उसका नाम चेंज हो गया है, अब दोस्तों उसका नाम हो गया है Realme Narzo 58 2022, ये आपको बहुत ही जल्द लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme GT Neo 2 Dragon Ball Z Special Edition की तरफ से, ये दोस्तों मार्च के महीने में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, थोड़ा सा डिले हो गया है लेकिन अब मार्च तक लॉन्च हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी क्रेजी है, 27 मिलियन MAH के कैपेसिटी वाला पावर बैंक दोस्तों अनवील हो गया है, एक टीम है चाइना में जिन्होंने मिलके इस पावर बैंक को बनाया है, यार कमाल का ये पावर बैंक है, एक साथ हम लोग बहुत कुछ चीज कर सकते हैं, 5-6 हजार स्मार्टफोन को चार्ज कर लेंगे, स्मार्ट टीवीज को चला लेंगे, अपने छोटे छोटे पावर बैंक को चार्ज कर लेंगे, ये पावर बैंक नहीं है ये पावर हाउस है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट सुनोगे तो बहुत ही तकलीफ होगा, व्हाट्सएप पे दोस्तों जब भी हम लोग अपने डेटा का बैकअप लेते हैं तो अनलिमिटेड ले सकते हैं हम लोग, गूगल ड्राइव पे कोई रोक टोक नहीं है, जितना बड़ा बैकअप लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा, अब दोस्तों आपको अनलिमिटेड बैकअप का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं, 15-16 GB आपको दे देगा गूगल ड्राइव बैकअप, उसके बाद से आपको स्टोरेज को खरीदना पड़ेगा,
अब अनलिमिटेड वाले दिन गए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है प्ले स्टेशन की तरफ से। प्ले स्टेशन का एक बहुत ही बड़ा लॉन्च इवेंट होने वाला है 2 फरवरी को। आप इसको देख सकते हो इंडिया में, आपको रात के 3:30 बजे 3 तारीख को लाइव स्ट्रीम को जाके देखना पड़ेगा, इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूं मैं। और इस इवेंट में प्ले स्टेशन अपने बहुत ही एक्सक्लूसिव गेम्स के ट्रेलर्स उनके बारे में बताएगा। इनफैक्ट बहुत सारे गेम कंपनीज यहां पर आएंगे, अपने अपकमिंग गेम्स के ट्रेलर्स को भी शोकेस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। ये बहुत ही बड़ा इवेंट होगा, कुछ अगर पता चलेगा तो अपडेट करता रहूंगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा की तरफ से। इसके ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, एक ऑफिशियल प्रोमो आर्ट बाहर आया है, देख लो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। अब आपको पता चल जाएगा कि S22 अल्ट्रा में कैसे कैसे स्पेसिफिकेशंस अपने को देखने को मिलेंगे। वैसे तो 1 हफ्ते बाद लॉन्च हो रहे हैं, वीडियो मिल जाएगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है OX की तरफ से, या फिर आप इसको ऑक्स भी कह सकते हो। ये दोस्तों एक नया स्मार्टफोन ब्रांड है। अब पहली बार मैं भी नाम सुन रहा हूं, तो मेरे हिसाब से तो भाई ये एक नया स्मार्टफोन ब्रांड है जो 8 तारीख को अपने एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है, जहां पर आपको डेमेंसिटी 900 मिलेगा, 13 5G बैंड्स होंगे, LPDDR5 रैम टाइप होगा, UFS 3.1 का शोर सपोर्ट होगा। और इसका दोस्तों अनबॉक्सिंग, जो इस फोन का अनबॉक्सिंग है ना, अपने इंडियन यूट्यूबर्स करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप टेक्नो रोवेस सर का आज का टेक न्यूज देखे होगे तो वो बॉक्स को भी टीज कर दिए हैं। दैट मींस ये जो ब्रांड है ये इंडिया में अपने फोन को लॉन्च करने वाला है। अब देखते हैं यार ये कौन सा ब्रांड है, कैसे प्राइस पे अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता है, अब ये नया है कि पुराना है, या फिर कोई और जो ब्रांड है उसी का एक सब ब्रांड है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है यार। जैसे कुछ अगर पता चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, अचानक से एकदम सामने आ गया है। और अगर अपने फ़ोन को लॉन्च कर रहा है तो कोई अग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च करे, रियलमी रेडमी की तरह। कुछ अगर पता चलेगा इसके बारे में तो अपडेट करता रहूंगा। OX तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 90 लाइक का, कर दो यार जल्दी से। चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं, रात को टेक न्यूज भी देता हूं, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमें सब अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। With the bells.